उपस्थिति में आना हमारा खुशी है प्रभु। ये उपस्थिति हमको दुनिया में कहीं भी हमको नहीं मिल सकता है। परमेश्वर आपने हमको सब झूठ से, सब अधर्म से आपने हमको छुड़ा के आया, लेकर आया। अभी इस वक्त में प्रभु आपको आपने एक जबरदस्त प्रकाशन में लाके खड़ा किया प्रभु। ये दुनिया अभी तक नहीं सुना ऐसी रेवलेशन में आपने हमको लेकर आया।
आपको धन्यवाद है प्रभु, आपका ये महान प्रेम, महान आपका दया, हम इनका बदले हम कुछ भी नहीं कर सकते प्रभु। आपने हमको सबसे छुटकारा देने वाला परमेश्वर, धन्यवाद है प्रभु। सभी भाई और बहन लोग ये मैसेज को YouTube का द्वारा, MP3 का द्वारा और ऑनलाइन का द्वारा सुनता है प्रभु। मेरा विनती है प्रभु, ये प्रकाशन और भी लोगों को पहुंचना प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है तब तक पिता उन प्राणों को मेरा पास नहीं लेकर आएगा वो लोग नहीं आ सकता है। प्रभु आपने ऐसी प्राणों को लेकर आना, धन्यवाद है प्रभु हर एक भाई और बहन के लिए। सभी भाई और बहन लोग अभी हुकअप में है प्रभु, सबको आप आशीष देना, खास करके हमारा बहुमूल्य भाई पौल, दावणगेरे का पौल, उनका सर्जरी है, ऑपरेशन है, उनको भी मैंने आपका हाथ में सौंप देता है। वो परिवार हमारा मैसेज को सुनता है प्रभु, सिस्टर ट्रेसा और वो परिवार को मैंने आपका हाथ में सौंप देता है प्रभु। ये कलिशे में हम प्रार्थना करता है उन लोग के लिए, वो सर्जरी सक्सेसफुल होने दे, सभी सब उनका बीमारी उनका शरीर से निकाल के जाने दे, सातान को कुछ भी विजय ना मिलना, उस प्राण को मैंने आपका हाथ में सौंप देता है। धन्यवाद है प्रभु, सिस्टर को भी, बच्चे लोग को भी आपका हाथ में सौंप देते हैं, हम विश्वास करते हैं आपने उनको चंगाई किया। धन्यवाद है प्रभु, आज का मैसेज के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप ही आपकी इच्छा के अनुसार बात करना, हमको इधर हम इधर सुनने के लिए खड़ा है प्रभु, ये मैसेज को हम सुनना चाहते हैं, हमको सुनाना प्रभु। धन्यवाद है प्रभु, आगे का समय को मैं आपका हाथ में सौंप देता है, आपको उपस्थिति के लिए भी हम आपको धन्यवाद करते हैं। ये छोटी सी दुआ आपका बहुमूल्य परमेश्वर का नाम से सुन और कबूल कर आबे। जैसे हम लोग खड़े हैं, बोलिए जोवेल का किताब, जोवेल का किताब दूसरा अध्याय 28 से लेके पढ़ेंगे। जोवेल का किताब दूसरा अध्याय 28। एंड इट शैल कम टू पास afterward that I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams, your young men shall see visions, and also upon the servants and upon the handmaids, in those days will I pour out my spirit। परमेश्वर ए वचन को, इस वचन को आशीष करे, आप बैठ सकते हैं। परमेश्वर का नाम को धन्यवाद दे। मेरा प्यारा भाई और बहनों, हम काफ़ी आनंद को उठाया ये मैसेज में से, और बहुत सारा चीज़ हमको मालूम पड़ गया। मेरे को मालूम नहीं आप लोग का, आप लोगों को परमेश्वर ने समझाया ये मैसेज, और ये मैसेज बहुत तो इम्पोर्टेंट मैसेज है, क्योंकि ये मैसेज में हमको ये मालूम पड़ता है कि परमेश्वर का योजना क्या है, कैसा प्रभु ने हमको चलाया, और ये सब चीज़ों को हम देख सकते हैं, खास करके मिनिस्ट्री का बारे में, और सब कुछ हम लोग देख सकते हैं। और परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे, आज भी हम लोग इस मैसेज को हम लोग आगे लेकर जाता है, क्योंकि ये मैसेज बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारा प्राणों के बारे में, हमारा विश्वास के बारे में, हम कैसा ये मैसेज को हम हमारे जीवन में स्वीकार कर दिया, ये सब कुछ हमको मालूम होना, इसलिए यही मैसेज को मैंने आगे लेकर जाता है। द सोल्स दैट आर इन प्रिजन नाउ, प्राण अभी कैद खाना में है, सोल्स दैट आर इन प्रिजन नाउ, प्राण अभी कैद में है,
और इसका सब टाइटल जो है थर्ड फुल मिनिस्ट्री, तीसरा खिंचाव का सेवकाई, थर्ड फुल मिनिस्ट्री। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद है। मेरे प्यारा भाई बहनों, मिनिस्ट्री कभी भी जिंदा रहता है। बरिश मर जाएगा, नबी लोग मर जाएगा, मगर सेवकाई जो मिनिस्ट्री मरेगा नहीं, मिनिस्ट्री जिंदा रहता है। और मिनिस्ट्री प्रभु का है। अगर मिनिस्ट्री बोलेगा कोई व्यक्ति का सेवकाई नहीं है, ये सेवकाई सिर्फ परमेश्वर का है। वो यस। इसलिए मेरा प्यार भाई बहनो, भाई ब्रैनम खुद इधर कहता है, वो बोलता है सारा छठवा मोहरा खुलासा हो गया, मगर सातवां मोहरा खुलासा नहीं हुआ बोलता है। इसका मतलब भाई ब्रैनम का मतलब, भाई ब्रैनम को सातवां मोहरा बिल्कुल खुलासा नहीं हुआ। ये सब झूठ लोग और झूठा भविष्यवाणी बोलने वाला विधर्मीय लोगों का आवाज बहुत भयंकर तरीके से वो लोग झूठ बोलता है भाई ब्रैनम को ये सातवां मोहरा खुलासा हो गया कर करके, मगर बिल्कुल सातवां मोहरा भाई ब्रैनम को खुलासा नहीं हुआ। वो खुद इधर बोलता है, ये मैं एक पढ़ना चाहता हूँ, रिमेंबर द सेवन सील्स फिनिश्ड इज फिनिश्ड एंड व्हेन दोस सेवन सील रिवील्ड, कभी ये सात मोहरा खुलासा हो गया, वो ही वुडंट परमिट अस टू नो, वो उन्होंने हमको एक चीजों को बताया नहीं। कितना लोग यहां पर है सात मोहर का खुलासा के समय? ऑल ऑफ यू आई गेस, सब लोग है इधर। अच्छा, द सेवंथ सील सातवां मोहरा उन्होंने हमको बताया नहीं। उन्होंने, मैंने वहां कमरे में था, सब कुछ उन्होंने बताया, मगर सातवां मोहर को मेरे को बताया नहीं। वो यस, और सातवां मोहर को मेरे को उन्होंने बोला नहीं। वॉइस अनकोट। मेरा प्यारा भाई बहनो, अगर मेरा प्यारा भाई बहन सातवां मोहरा भाई ब्रैनम को मालूम नहीं था, क्योंकि सातवां मोहरा जो है वो तीसरा खिंचाव का मोहरा है। वॉइस परमेश्वर के नाम को धन्यवाद। मैं बहुत बहुत सावधान से प्रचार करना चाहता है, क्योंकि सब लोग इसको पहचानने का, भाई ब्रैनम के पास खाली दो खिंचाव था, भाई ब्रैनम का सेवकाई में खाली दो खिंचाव था, चंगाई करना और भविष्यवाणी करना, ये दो ही खिंचाव उनका सेवकाई में मौजूद था। मगर तीसरा खिंचाव के लिए भाई ब्रैनम बहुत आशा रखा, क्योंकि भाई ब्रैनम परमेश्वर का बेटा का समान काम किया, क्योंकि वो चर्च एजस में परमेश्वर का बेटा का प्रकाशन है। बराबर सुनिए, चर्च एजस में मनुष्य पुत्र का प्रकाशन का कोई असर नहीं था, मनुष्य पुत्र का प्रकाशन चर्च एजस में नहीं था, चर्च एजस में प्रभु का बेटा का प्रकाशन। इसलिए परमेश्वर भाई ब्रैनम को वयस गिलारी बनाने का और स्पीक द वर्ड बोलेगा तो वो जो भी बोले वो होना होता था, वो सब प्रभु का बेटा का काम था। मगर उनका सेवकाय में मनुष्य पुत्र भी प्रकटित हो गया, वो इस शॉट में मनुष्य पुत्र प्रकटित हो गया, मगर वो चर्च एजस के लिए नहीं हुआ, वो ब्राइड दुल्हन का युग के लिए हो गया। वो इस दुल्हन का युग के लिए, इसलिए जो विलियम ब्रैनम का सेवकाय में जो भी था उनको ये बात मालूम नहीं है, क्योंकि प्रभु भी भाई ब्रैनम को इनको बताने के लिए अनुमति नहीं दिया, क्योंकि भाई ब्रैनम का जो सेवकाय के वो लोग प्रभु का बेटा का समान, क्योंकि बोलेगा तो होने वाला प्रभु का बेटा, जो आदम ने नहीं किया वो कामों को भाई ब्रैनम के द्वारा वो काम हो गया। ये सब हम लोग उसके लिए साक्षी है। वयस परमेश्वर के नाम को धन्यवाद है। मगर मेरे फिर भर बहनों, ये सब बात हमको मालूम नहीं। वयस और भाई ब्रैनम के समय में चर्च एजस, क्योंकि हम भूल नहीं सकता है सातवां कलिशक के युग का एक संदेश देने वाला दूत था वयस, और उसी समय में उनका अंदर उसी समय में मनुष्य पुत्र भी शौट का द्वारा प्रकटित हो गया। वो यस
प्रकटित हो गए। एक बाघ उनका सेवकाय में था, मनुष्य पुत्र का एक बाघ। वयस परमेश्वर के नाम को धन्यवाद है। मगर भाई ब्रैनम के अंदर एक आशा था, वयस तीसरा खिंचाव भी उनको परमेश्वर ने दिखाया और थोड़ा समय थी वयस थर्ड पुल, मगर वो थर्ड पुल उनका सेवकाय में नहीं था। थर्ड पुल वयस सातवां मोहरा में आता है, सेवंथ सील सातवां मोहरा में तीसरा खिंचाव होता है। वयस वो भाई ब्रैनम का सेवकाय बिल्कुल नहीं था, भाई ब्रैनम के लिए तीसरा खिंचाव में कोई भी संबंध नहीं था। वयस भाई ब्रैनम को इसलिए मैं बोलता है तीसरा खिंचाव वो आखिरी का जो सेवकाय है, लास्ट मिनिस्ट्री, थर्ड पुल, द वर्ड जो वचन जो है वो आखिरी का जो सेवकाय है। वयस ये बातों को हम ध्यान में सुनिए। और भाई ब्रैनम मेरा प्यारा भाई बहनों, उनको आशा था वयस तीसरा खिंचाव को बारे में उनको आशा था। और दूत ने उनको बोला जैसा दो खिंचाव को आपने बताया, मगर ये तीसरा खिंचाव को आप गलत किया बोला, भाई ब्रैनम को बोला। भाई ब्रैनम को दूत ने बताया तू बहुत गलत किया, क्योंकि उनका साथ पूरा डिनोमिनेशन का सेवक लोग था। परमेश्वर वो डिनोमिनेशन का, क्योंकि उनका मिनिस्ट्री ऐसा था, उनका सेवका ही ऐसा था, सभी संस्था का सेवक लोगों के साथ मिला था भाई ब्रैनम। भाई ब्रैनम अलग नहीं हुआ वो लोगों से, भाई ब्रैनम सब संस्था का सेवक लोग, पास्टर, इवेंजलिस्ट, सबके साथ वो मौजूद था, सबके साथ उसका फोटो खींचा। वो बिली ग्राहम के साथ भी उनका फोटो खींचा, ओरल रॉबर्ट, ए एलन, हाँ, और इन सब को लोगों के साथ वो फोटो खींच के सबको मालूम पड़ गया, क्योंकि सबके साथ वो था। मगर एक ही फर्क है, उनके साथ प्रभु खड़ा था और उनके पास पेंटेकोस्ट का सामर्थ्य उनका अंदर था, वही फर्क था। बाकी सब कुछ, सब सेवकाई मिक्सअप हो गया, भाई ब्रैनम का सेवकाई मिक्सअप हो गया, क्योंकि सभी सेवक लोग, सब टेली इवेंजलिस्ट लोग उसको इज्जत देता था, उनको रेस्पेक्ट देता था, क्योंकि भाई ब्रैनम का जो सेवकाई ऐसा था। वयस परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे, सब लोग उनका सेवकाई में आकर्षित हो गया, क्योंकि आकर्षण करने वाला दो चीज था, दो खिंचाव, ये दो खिंचाव भाई ब्रैनम का सेवकाई में एक आकर्षण करने वाला एक जबरदस्त चीज था, क्योंकि चंगाई होना, भविष्यवाणी बोलना, ये सब उसमें भाई ब्रैनम का नाम बहुत जगह पर फैल दिया। मगर एक बात इधर में बताना चाहता है, तभी मोहरा खुलासा हो गया 1963 में, दी वर्ड वचन आने को शुरू हो गया, सब लोग उसको इनकार कर दिया, और भाई ब्रैनम का अपना चर्च से हटा दिया और उनको क्रूसीफाई कर दिया, सूली पर चढ़ा दिया। वयस इसलिए भाई ब्रैनम चिल्ला के बोलता है, इंडक्टमेंट मैसेज में भाई ब्रैनम चिल्ला के बोलता है, ये लोग प्रभु को आज अपना अपना पुलपिट का ऊपर सूली पर चढ़ा दिया बोलते हैं। आपको आप लोग एक बात बोलो, उनका मैसेज को, वयस उनका प्रभाव को वो लोग सूली पर मार दिया। मेरा प्यारा भाई बहन, कौन मार दिया? डिनोमिनेशन चर्चेस, खाली वो लोग नहीं है, उसमें विलियम ब्रैनम का मैसेज को स्वीकार किए वो लोग भी उसमें भाग लिया। वयस ये आप लोग को मालूम होना, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे। ये बातों को मैंने आप लोगों को बताना चाहता हूं। वयस प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। इधर देखो, रिटर्न ऑफ द सेम जीसस बाय लैम्बर्ट, इधर क्या बोलता है, दीज आर द थिंग्स आई टोल्ड यू, मैं ये बातों को मैंने इन द शाउट, देखो बाय लैम्बर्ट बोलते हैं ये शाउट में, इधर देखिए वो आठवां दिन है, वो महान मोहरा है, आठवां दिन है वो महान मोहरा है, मोहरा बोरेगा तो सील। नाउ कुछ लोगों को ये बात मालूम नहीं है, मैंने इनको बताना चाहता है, कभी यीशु मसीह पुनरुत्थान को पाया तीसरा दिन में, वो उनको सूली पर चढ़ाने के बाद वो ही गोस इनटू द थर्ड पुल, तीसरा खिंचाव में वो आता है। तीसरा खिंचाव बोलेगा तो वो जो प्राण कैदी खाना में है उनको प्रचार करना,
हाँ इधर देखो, यीशु के पास भी तीन खिंचाव था। हाँ वो दो खिंचाव दुल्हन को पकड़ा नहीं। ओ यस सर, द ग्रेट मिस्ट्री दैट वाज लेड ऑल थ्रू द एजेस। क्या मनुष्य वापस जी सकता है क्या? सब लोग उनके ऊपर डाउट था। देयर वाज अ लॉट ऑफ डाउट, बट मगर कभी ये महान मोहरा थोड़ा गया और महान मोहरा का भेद बाहर आया। इसका मतलब वहां पर भी मौत का बाद भी आदमी जी सकता है। वैसे क्योंकि वो तीसरा, क्योंकि यीशु मसीह मरने के बाद भी जीने को शुरू किया, बोलेगा तो पुनरुत्थान को पाया। वैसे वो उनका मतलब वो वैस जो जो जीवन है उसका भेद है, मौत के बाद उसका भेद का जीवन का भेद है। वैसे वो तीसरा दिन में प्रकटित हो गया। एथ डे, आठवां दिन, द इटर्नल डे हम बोल सकते हैं उसको, अनंत काल का जो दिन है। वयस, ये बहुत गहराई का बात है। देखिए, ऑल राइट, अभी इधर देखिए, बराबर भाई लामट बोलता है अभी दर हैंड्स द मैसेज ऑफ मलाकी फोर। मलाकी फोर का संदेश को बराबर सुनिए, मलाकी फोर का संदेश को सूली पर वो लोग डाल दिया। कौन? सारा डिनोमिनेशन सूली पर डाल दिया और सब लोगों का दरवाजा बंद किया। थोड़ा इधर रुकता है, मैं आप लोगों को मैं पढ़के में आगे नहीं जाऊंगा। इधर इसका मतलब जो है, तब तक भाई ब्रैनम दो खिंचाव को करता था। सब लोगों को भाई ब्रैनम के ऊपर प्रेम था, सब लोग भाई ब्रैनम को प्रेम किया। क्योंकि वो लोगों को चाहिए था भाई ब्रैनम। सब चर्चस उसको अपना चर्च में बुलाया और आमंत्रण दे दिया। सभी जगह पर भाई ब्रैनम अपना दो खिंचाव को प्रदर्शन कर दिया, चंगाई करना, भविष्यवाणी बोलना। तभी सब डिनोमिनेशन का बड़ा बड़ा इवेंजलिस्ट लोग और बड़ा बड़ा पास्टर लोग, बड़ा बड़ा डीकन लोग और बाकी सब बड़े बड़े बिशप लोग, ये लोग सब उनको बुलाया। सबके साथ उन्होंने फोटो को खींचा और वो फोटो अभी भी है। और सब लोग उनके बारे में बयान भी दिया। वैस मगर कब 1963 में परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे, भाई ब्रैनम का सेवकाई के द्वारा मोहरा खुलासा होने को शुरू हो गया। वर्ड आया, वचन आया, सब लोग उनको टुकराया। इसलिए भाई लामट बोलता है मलाकी फोर का जो संदेश को ये संसार का लोग सूली पर डाल दिया। दे क्रूसीफाइड क्राइस्ट अगेन, बोलेगा मसीह को दोबारा वापस उनको सूली पर चढ़ा दिया। वैस और उनको चर्च का भार डाल दिया। वैस अनकोट, वैस रेवलेशन चैप्टर 3 में कैसा मसीह चर्च का भार गया, वैसा यही जो बात है। यही जो समय में लवदोशे का चर्च बाकी नहीं, लवदोशे का कलिश के युग में मसीह को वापस कलिश का भार डाल दिया। वयस सो वहां पर है और वो लोग उनको उनका बारे में क्या करता था, जोक करता था और बहुत सारा कुछ। बट गॉड हियर कम्स नाउ, मगर परमेश्वर वापस मैसेज के द्वारा आता है। एंड द मिनिस्ट्री ऑफ द थर्ड फुल, तीसरा खिंचाव का सेवकाई। हाँ, तीसरा खिंचाव का सेवकाई वो आ जाएगा और सारा डिनोमिनेशन को हाउंट करेगा, बोलेगा तो वापस बात करेगा डिनोमिनेशन के सामने, वही मैसेज आ जाएगा। वैस कौन किसका मैसेज को वो लोग टुकराया, भाई ब्रैनम का मैसेज को वो लोग टुकराया। वैस और जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह, ही डिसेंड्स इन द कैपस्टोन मिनिस्ट्री। आमेन, वो कैपस्टोन का मिनिस्ट्री में, कैपस्टोन बोलेगा तो टोकन, पवित्रात्मा का बपतिस्मा का द्वारा, सेवकाई के द्वारा वापस वो उतरेगा और वापस वो आके यही मैसेज को उठाएगा। वैसे बराबर सावधान से सुनो, सुनो इधर, वैस एंड कम्स इनटू देम, वो लोगों का चर्चस में जाएगा। वैस जो प्राण ये संदेश को रिजेक्ट किया, जो प्राण, जो डिनोमिनेशन, जो मलाकी फोर का नाम से चलने वाला चर्चस, ये लोग सब एक ही है संस्था है। लोग जो लोगों ने इनको रिजेक्ट किया मैसेज को, ऑल राइट,
वो लोगों का सामने वो लोग आके प्रचार करेगा और तभी एक भयंकर समय हो जाएगा। ये जो है द मिनिस्ट्री ऑफ द ब्राइड, मिनिस्ट्री ऑफ द ब्राइड वो मैसेज का कोटेशन है, अनकोट मेरा प्यारा भैर भी ने भयंकर है वैस वापस दोबारा ये मिनिस्ट्री जो मैसेज को ये लोग सूली पर डाल दिया, सूली पर क्रूस पर डाल दिया और बालाकी फोर पे का और सब लोग खाली डिनोमिनेशन बोलेगा तो पेंटेकोस्ट जेहोवा वो लोग खाली नहीं, ये मलाकी फोर पे का नाम लेके जो लोगों का पास टेप से जो लोगों का आपको मालूम है जो लोग प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा हैंडल किया सब कुछ किया वैसा ये लोग भी यीशु मसीह को ये मैसेज को ये लोग घर में रखा सब कुछ किया मगर कहीं ना का कोई ना कोई चीजों से ये लोग उनको मार दिया वापस सूली पर डाल दिया। आहा सूली पर डाल दिया कत्ल कर दिया वो यस। अभी यीशु मसीह कभी गया वो प्राणों के पास सूली पर डालने के बाद गया। आपको मालूम है सूली पर डालने के बाद वो यस यही मैसेज में है कि बहुत जबरदस्त मैसेज है ये मेरा प्यारा प्यार बहनों ये मैसेज को बहुत लोग प्रचार करता है मालूम है कोई किसी को इसका रेवलेशन मालूम नहीं है कोई किसी को इसका प्रकाशन मालूम नहीं है कैसे भी वो लोग फड़ के प्रचार किए मगर मैंने प्रभु को धन्यवाद करता है और मैं बहुत घमंड से बोलता है ये मैसेज का सचमुच का प्रकाशन प्रभु ने हमको दे दिया। वैस आज हम बहुत खुशी में क्यों इसका रेवलेशन इवन डाल्टन ब्रूस प्रचार किया मैंने सुना था डाल्टन ब्रूस प्रचार करने का और वो भी ऐसी बातों को नहीं लेकर आया क्योंकि उनको नहीं दिखाई दिया बाय लैम्बर्ट यहां पर क्या बोला करके। वैस मैं सचमुच में कहता है हमको बहुत घमंड है प्रभु के नाम को धन्यवाद है अगर हमको ये बात नहीं मालूम होता था हम अंधे के जैसा आज बैठता था क्योंकि हमको कुछ भी बात मालूम मगर ये सचमुच का बात है। हाँ वैस आपको मालूम है भाई ब्रानम ये सब काम किए छंगाई किए सब एक प्रभु का बेटा के नाते कर दिया एज अ सन ऑफ गॉड क्योंकि तभी प्रभु का बेटा का प्रकाशन था इवन सातवां कलिशे के युग में भी प्रभु का बेटा का प्रकाशन था प्रभु का बेटा का प्रकाशन को वो लोग पाया था किसी को भी मनुष्य पुत्र का प्रकाशन नहीं था। कब मनुष्य पुत्र का प्रकाशन मिला ब्रदर वाटसन सेवेंथ सील खुलासा होने के बाद सातवां मोहरा खुलासा होने के बाद द सन ऑफ मैन का प्रकाशन हमको मिला। वैस अनको कैन यू से मैन वैस कोई भी हो अगर मिनिन हो अगर कौन सा भी भाई हो आके बोलेगा हमको पहले मालूम था विदाउट द सेवंथ सील किसी को भी ये क्या बोलते हैं मनुष्य पुत्र प्रकाशन मालूम नहीं था क्योंकि मनुष्य पुत्र प्रकाशन मालूम होने के लिए सातवां मोहरा खुलासा होना ही चाहिए। वैस और नहीं तो किसी को सब लोग ऐसे बोलते हैं मनुष्य पुत्र करके डिनोमिनेशन में बोलते हैं सन ऑफ मैन मगर उसका प्रकाशन क्या है अगर आप लोग बोलेगा मनुष्य पुत्र बोलेगा तो सन ऑफ मैन बोल के मगर उसका प्रकाशन क्या है बताओ क्या है प्रकाशन मेरे को बोलिए। हाँ खाली मुंह से बोलने से नहीं अभी बहुत लोग बोलते हैं हम रैप्चर में जाते करके मैं मेरे को बताइए कैसा रैप्चर में जाना मैं बताइए मुंह से बोलने के लिए बहुत ईजी है मगर रैप्चर में कैसे जाने का है क्या चीज उसके लिए चाहिए क्या मटेरियल चाहिए उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद है। वो यस मेरे प्यार भाई बहनों ये बहुत बहुत जबरदस्त चीज है। हाँ मेरे प्यार भाई बहनों ये बहुत जबरदस्त चीज है भाई ब्रानम का जो मलाकी फोर फाइव का मैसेज को ये लोग सब सूली पर डाल दिया पहला क्रूसिफिक्शन होना चाहिए वैस थर्ड पुल आने का पहले तीसरा खिंचाव होने का पहले थर्ड पुल खाली ब्राइड का है ब्राइड उसमें उसको मिला। वैस मैं एक बात को उधर रखा था अभी भी मेरे को याद है मैं मैसेज में गड़बड़ नहीं करता है मेरे को कोई भी मेरे को बता नहीं सकता व्हाट्सएप ऐसे गड़बड़ बिल्कुल गड़बड़ नहीं करे क्योंकि यहाँ पर होली स्पिरिट का मौजूद है यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड है मगर इधर बराबर सुनिए यीशु मसीह कभी जो प्राण के पास गया मेरे को बताइए बाइबल से बताइए किसको भी हिम्मत है कभी यीशु मसीह जो खोया हुआ प्राण के पास जाके प्रचार किया बताइए मेरे कभी किया क्रूसिफिक्शन होने के बाद सूली पर चढ़ने के बाद उसका मौत होने के बाद मरने के बाद और तीसरा दिन में वो उठ गया उसको बोलते हैं आठवां दिन एइथ डे बोलते हैं एइथ डे बोलेगा तो नया दिन है एइथ डे वैसे तभी उन्होंने क्या बोलते हैं वैसे खोया हुआ प्राण के पास जाके उन्होंने प्रचार किया द सोल्स आर इन द प्रिजन
मगर अभी भी वो पैटर्न अभी भी ऐसे होना चाहिए। इधर भी दोबारा उनको सूली पर चढ़ना कि अभी ब्रैनम को नहीं सूली पर डाल दिया, अब ब्रैनम को एक्सीडेंट होकर मर गए, मगर ब्रैनम का मैसेज को और आपको आप सुना है मैसेज और मैसेंजर इज एक करके वन करके संदेश देने वाला भी संदेश देने वाला भी और संदेश भी दोनों भी एक है। अगर उनका मैसेज को सूली पर डालना भी भाई ब्रैनम को भी सूली पर डालना एक ही हिसाब है, क्योंकि मसीह ब्रैनम का अंदर था। इधर मसीह का भाई इधर मेरा प्यार बहनों इधर उनका मैसेज को सूली पर डालना बोलेगा तो ब्रैनम को सूली पर डाला जैसा हो गया इधर। कैन यू से मैन? और उनको चर्च से उठा के फेंक दिया, बाहर फेंक दिया। वॉयस हाँ वो सातवा कलिशिया का युग का एक खाम है। वॉयस सेवंथ चर्च लौदोशिया चर्च एज में बाकी कौन से भी चर्च एज में ऐसा नहीं खाम हुआ, मगर लौदोशिया चर्च एज में उनको कलिशिया से उठा के बाहर फेंक दिया और भाई ब्रैनम का मिनिस्ट्री भाई ब्रैनम मैसेज को वो लोग सूली पर डाल दिया। वॉयस ये महान लोग सब कोई भी होने दो, बिली ग्राहम, ऑरल रॉबर्ट, ए एलन, टी एल ऑसबर्न और कौन सा बड़ा बड़ा नाम को आप सुनते हो, ये लोग सब फोटो खींच दिया। कभी दो खिंचाव करने के समय भाई ब्रैनम का दो खिंचाव के समय में सब लोग फोटो खींचा, क्योंकि सब लोग दावा किया ये हमारा थे, क्योंकि ये सब मिनिस्ट्री एक ही थी, एक ही था भाई ब्रैनम का मिनिस्ट्री। आखिरी के जो पेंटेकोस्टल का जो बेदारी था उसी समय पर इनका भी मिनिस्ट्री मिल गया और जैसा मूसा का सांप बाकी सांप को सब खाया वैसे भाई ब्रैनम का दो खिंचाओ बाकी लोगों के चिन्ह चमत्कार को पूरा खाया। क्या जो सेमन जैसा मूसा ने इजिप्ट के अंदर गया और उनके हाथ में सांप था और सब लोग ऐसे सांप बनाने को शुरू किया, वो उतने में भाई ब्रैनम का सॉरी मूसा का जो सांप है बाकी सारा सांप को खाया फिनिश कर दिया, वैसे भाई ब्रैनम का भी सांप बोलेगा तो भाई ब्रैनम का भी एक सांप था उसका हाथ में। वॉयस और मैं बोलना चाहते हैं दो खिंचाओ और बाकी लोगों के सबके चिन्ह चमत्कार को खा लिया वो और सब लोग को मालूम पड़ा ये बहुत खतरनाक मिनिस्ट्री है इनका करके और वो लोग कबूल किया भाई ब्रैनम के सामने कोई भी अपना चिन्ह और चमत्कार कर नहीं सकते, वो लोग हारा वो लोग हार मान लिया। वॉयस वो लोग और बाद में बोला भाई ब्रैनम को ये जो है पेंटेकोस्ट का पिता है करके बोला। वॉयस परमेश्वर के नाम को धन्यवाद है मेरा प्यार भाई बहन, ऐसी मैसेज आपको किधर भी मिलेगा तो बताइए। हमारा मैसेज को चोरी करके कुछ लोग हमारा विरुद्ध बात करते मगर चोरी करके वो लोग प्रचार करते हैं, आशीष नहीं मिलेगा वो लोग मेरा आइटम को लेके पता नहीं के लिए वो लोग से नहीं होएगा, ये बहुत बहुत जबरदस्त बात है। वॉयस मेरे को बताइए किधर आप पहले सुना आप रेस्पेक्ट दे ये मिनिस्ट्री को आप इज्जत करो। वॉयस नालायक जैसा मत रहना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Praise be the name of the Lord. Oh yes, ये publicly छोड़ने वाला मैसेज नहीं है, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद है। Oh yes, praise be the name of the Lord. हमको आज इतना घमंड है, हम आज बोल सकते हैं हमारा मिनिस्ट्री के अलावा कोई मिनिस्ट्री नहीं है। बहुत लोगों के हाथ में भाई लामट का मैसेज है, भाई ब्रैनम का मैसेज है, बहुत लोग आज ये 10 फुट और 5 फुट का कदम उठाते हुए खुद ही मारता है। हमारे पास मैसेज हमको कोई नहीं चाहिए, कोई मिनिस्टर नहीं चाहिए। बस ठीक है आपको मिनिस्टर की जरूरत नहीं है, बिना मिनिस्टर से आप ऐसी बातों को सुनेगा भी नहीं। हाँ परमेश्वर के नाम को धन्यवाद है। वॉयस हाँ अभी इधर देखिए मेरा फैर भाई बहन ये बहुत जबरदस्त चीज है। ऑलराइट हाँ देखिए तीसरा वॉयस तभी उनको सूली पर चढ़ाने के बाद मारने के बाद वॉयस वो रिजरेक्शन होने का पहले वो नरक में जाके नई पश्चाताप हुआ प्राणों को बंदी कैद खाना में था, कैद खाना में नहीं पश्चाताप वो किया हुआ प्राण नूह के समय से लेके वो लोगों को जाके प्रचार किया। वॉयस बाद में रिजरेक्शन हो गया, बाद में उसका पुनरुत्थान हो गया। अगर ये बात है बराबर सुनो, अगर ये बात है अभी भी ये बदलता नहीं है, अभी भी ये क्रूसिफिक्शन होना चाहिए, सूली पर चढ़ना। अभी किसको सूली पर चढ़ा दिया भाई ब्रैनम? इंडाइक्टमेंट में मैसेज को प्रचार किया, मालूम है इंडाइक्टमेंट बोलेगा तो दोषित ठहराना। वॉयस उसको बोलते हैं इंडक्टमेंट, दोषी ठहराना। और वो मैसेज में आप पढ़ो और इंग्लिश में इंडक्टमेंट वो मैसेज में पढ़ो आप लोग। वो क्या बोला? ये जनरेशन, ये पीढ़ी
मेरा प्रभु को दोबारा सूली पर चढ़ा के मार दिया बोलो आमेन। ये मेरा बात नहीं है, ये पीढ़ी, ये संतान, ये जनरेशन मेरा परमेश्वर को, मेरा प्रभु को वापस सूली पर चढ़ा दिया बोला। और गोलगप्पा के किसको बोला बाल में? पुलपिट को बोला। जो सेवक लोग खड़ा हो गए, खड़ा होने वाला पुलपिट को उन्होंने बोला, वो गोलगप्पा बोला। वो हाँ, गोलगप्पा अलग, इसराइल का गोलगप्पा नहीं, अभी पुलपिट गोलगप्पा बन गया। हाँ, वहां पर मेरा प्रभु को वापस सूली पर चढ़ा दिया बोला। मैं आई इंडिक्ट द जनरेशन बोला, मैं ये पीढ़ी को दोषी ठहराएगा बोला भाई ब्रानम, मालूम है, दोषी ठहराएगा। माय गॉड, हा, ये बहुत जबरदस्त बात है, दोषी ठहराएगा बोला। परमेश्वर को धन्यवाद बोलो, ये बहुत भयंकर। और मेरा प्यारा भाई बहन, यही मैसेज, सोल्स आर इन प्रिजन नाउ, ये प्राण अभी बंदी खाने में है। यही मैसेज को बहुत लोग प्रचार करते हैं, बहुत लोग पढ़ता है, बहुत लोग प्रचार करते हैं, मेरे को मालूम नहीं, मेरे को हंसी आता है कभी कभी, हंसी, मैं हंसता है अंदर से, ये क्या प्रचार कर गए लोग, ये लोग को क्या मालूम है इसका रेवलेशन, डीप रेवलेशन। अभी भाई ब्रैनम बोलते ही इधर सातों मारा खुलासा नहीं हुआ बोलते हैं, फिर सातों मारा खुलासा नहीं होएगा तो थर्ड पुल किधर से आएगा भाई, थर्ड पुल किधर से आएगा? भाई ब्रैनम के मिनिस्ट्री में थर्ड पुल था? बिल्कुल नहीं था। हाँ, ये गलत मत करो, भाई ब्रैनम का सेवक का भी तीसरा खिंचाव नहीं था, तीसरा खिंचाव भाई ब्रैनम का सेवक का खत्म होने के बाद शुरू हो गया थर्ड पुल, क्योंकि तीसरा खिंचाव के साथ प्रभु का आगमन वहां पर खड़ा है और ब्राइड के लिए रखा हुआ वो मोहरा है, सॉरी खिंचाव है, वो ब्राइड का खिंचाव है, तीसरा खिंचाव ब्राइड का है, दुल्हन का है। कैन यू से आमेन? हालेलुया, ग्लोरी टू द नेम ऑफ द लॉर्ड। हाँ, और सेवंथ सील जो है तीसरा खिंचाव है, तीसरा खिंचाव कौन सा भी मोहरा के नीचे नहीं है, पहला मोहरा, दूसरा मोहरा वो छोड़ दो, और पांचवा मोहरा के नीचे भी थर्ड पुल नहीं है, और छठवा मोहरा के नीचे भी थर्ड पुल किधर है भाई? सातवा मोहरा के नीचे है, सेवंथ सील। अगर सेवंथ सील खुलासा नहीं हुआ भाई ब्रैनम के मिनिस्ट्री में, फिर कैसा तुम लोग बोलता है झूठे संतान है, सातान का बीज है, कैसा बोलेगा तुम लोग भाई ब्रैनम का मिनिस्ट्री में थर्ड पुल तक करके? बिल्कुल गलत है, झूठे वो, थर्ड पुल किसके पास नहीं, अभी भी नहीं है, थर्ड पुल अलग सेवक का ही है, अलग मिनिस्ट्री। इवन डाल्टन ब्रूस के पास भी थर्ड पुल नहीं है, थर्ड पुल को डाल्टन ब्रूस भी उसके बारे में बोल नहीं सकते, ना उनको इसका रेवलेशन भी मालूम है। कैन यू से आमेन? यस, इसलिए पावरफुल मिनिस्ट्री, पावरफुल मैसेज है। हाँ, कैसा बोल सकता है? ये मैसेज को कभी भी गलत प्रचार मत करो, यूट्यूब में सुनने के बाद खामोश हो जाओ, गलत प्रचार मत करो, क्योंकि मैं जिम्मेदारी नहीं है, ये बहुत राइट सही तरीके में मैं लेके आता है। कैसा बोल सकता है भाई ब्रैनम का समय में? क्योंकि ये कोटेशन में अभी भी रखा हूं, अभी इधर देखो भाई लामबर्ट का और एक कोटेशन, उनका प्राण नरक में गया, हेल में गया, और कैदी खाना में जो प्राण है उनको प्रचार किया। वो कैदी खाने में जो प्राण था वो पश्चाताप नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर का बहुत देरी से इंतजार करता था, मगर वो लोग कब से, नुआ का समय से, परमेश्वर ने उनका आत्मा को लेकर नरक में गया और उनको शरीर दिया वहाँ पर, और बट द और बाद में उधर प्रचार करने को छोड़ा, वापस उनका शरीर को उठाया मट्टी से और वापस लेकर आया और ऊपर लेके जाके प्रभु के पास लेकर जाके रखा उधर। ये मोसेस सिन एंड द स्मिटन रॉक 1969। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद, ये बातों को मैंने अभी बताया क्योंकि आप लोगों को पहला ये टर्निंग पॉइंट मिलना चाहिए, कैसा ये मिनिस्ट्री था। और एक बात बोलता है, मैं ये बातों को रोका था मैं, वो बात यही है, भाई ब्रैनम को आशा था तीसरा खिंचाव के बारे में, उसको आशा था, भाई ब्रैनम बहुत आशा रखा, क्योंकि एक बार उनको विजन दर्शन खुल गया, और दर्शन खुलने से भाई ब्रैनम उधर तालाब के पास खड़ा था, उनके पास मच्छी पकड़ने वाला सब चीज़ था, और पेंटेकोस्टल का सेवक लोग बहुत था उधर, उनके बीच में ये भी था, मगर दूत आके इनको बोला, देखो मैंने सिखाऊंगा तेरे को तीसरा खिंचाव के बारे में सिखाऊंगा, मगर तुम पहले के जैसा गलत मत करना, किसी को भी नहीं बताना, क्योंकि तूने दो खिंचाव को सबको बता दिया, इसलिए बहुत गड़बड़ हो रहा है दुनिया में। आपको मालूम है दो खिंचाव का बहुत बड़ा गड़बड़ कैसा हो गया?
भाई ब्रैनम का वजह से हो गया, क्योंकि भाई ब्रैनम सबको बता दिया, उनका प्रेम ज्यादा हो गया, बहुत सभी सेवक लोगों को प्यार किया, वो सभी सेवक लोगों का बगल में हाथ डाला। मगर ये मिनिस्ट्री ऐसा नहीं है, ये मिनिस्ट्री को और भाई ब्रैनम मिनिस्ट्री को बहुत फर्क है, दिन और रात का फर्क है, क्योंकि उनका मिनिस्ट्री ऐसा था, वो डिनोमिनेशनल लोगों के बीच में आ गया, प्रभु ने ऐसी बना दिया। वो भाई ब्रैनम का गलत नहीं है, आप ये मत बोलो भाई ब्रैनम ने गलत किया, बिल्कुल गलत है आप लोगों का, आपको शाप गिरेगा भाई ब्रैनम का ऐसी बोलेगा तो। भाई ब्रैनम को एक लफ्ज भी बोलो मत, उनका इज्जत को उधर ही रखो, अच्छा अच्छा नबी है, पावरफुल नबी है वो, हाँ ऐसा बोलो मत। मैं इधर मैसेज में लेके आया, बहुत लोगों का ऐसी आदत है, अरे भाई ब्रैनम क्या है, हाँ वो बहुत बार गलत किया, गलत नहीं बोल सकते, गलत बोलेगा तो उनको करा दिया परमेश्वर ने, क्योंकि उनका सेवक ही ऐसा था, उनका सेवक है सब डिनोमिनेशन सेवक लोगों के साथ मिलने वाला था, सब डिनोमिनेशन के सेवक लोग उसके साथ हाथ मिलाया, बगल में हाथ डाला, कमर में हाथ डाला, और सेवक वो सेवक लोग के साथ सोया और उठा, और वो लोग के साथ घूम रहा था, क्योंकि उनका सेवक है ऐसा था, परमेश्वर ने उनका सेवक को ऐसी बना दिया मेरा फ्रेंड। वैसे इसका मतलब उनको आप नीचे डाल के कुचलने का मैं नहीं बोलता है, जबरदस्त नबी है वो, वैसे उनके सेवक को परमेश्वर ऐसी बना दिया, इसलिए वो क्या किया, दो खिंचाओ को सबको बता दिया, मगर दूत ने बोला ये इनको मत बताना, उनके हाथ में मच्छी पकड़ने वाला वो बड़ा स्टिक दिया और थोड़ा खाना उसमें रखा और बोला देखो ये कुछ भी हिलाओ मत, आराम से डालो बोला, क्योंकि इनका जो आंख है मेघ धनुष का मच्छी का ऊपर था, वो क्योंकि वो गहराई पानी में चलता था। मगर भाई ब्रैनम क्या किया, थोड़ा देर के बाद जर किया तो थोड़ा हिला दिया, छोटा मच्छी उसमें मिला। वो यही दर्शाता है भाई ब्रैनम का सारा सेवकाई में अभी तक इस घड़ी तक खाली छोटा मच्छी है, हाँ छोटा मच्छी है वो, क्योंकि वो थर्ड पुल नहीं है, दूसरा खिंचाव में मिला हुआ मच्छी है, दो खिंचाव में, बराबर सुनो, दो खिंचाव में मिला हुआ मच्छी है, छोटा मच्छी, इसलिए अभी भी ये छोटा मच्छी हमको दिखाई देता है, ये सब छोटा मच्छी है, मगर मेघ धनुष का मच्छी का पकड़ने का काम विलियम ब्रैनम का नहीं है, फिर किसका है ब्रदर वाटसन, रेवलेशन 10:1 का काम है। वैस प्रकाशन का किताब में 10वां अध्याय में एक, क्योंकि वो 7वां मोहरा का खुलासा होने के बाद में का काम है, क्योंकि वो थर्ड फुल है, तीसरा खिंचाव, माई गॉड, वो जबरदस्त सेवकाई है, वैस रेवलेशन 10:1 का काम है वो। कैन यू से मैन, वैस रेवलेशन 10:1 का काम है। मरा भाई ब्रैनम को नहीं हो गया, भाई ब्रैनम माफी मांगा, दूसरे माफी मांग, गलत हो गया मेरे करके, मगर छोटा मच्छी उसका मच्छी का ये क्या बोलता है तीर में मिल गया, और छोटा मच्छी अभी तक वही मच्छी है उसका मिनिस्ट्री में एक छोटा मच्छी, दूसरा एक लाश, इजिप्शियन का एक मुर्दा का लाश बदवा देने वाला, ये सब है उनका मिनिस्ट्री में, एक भी प्राण वहां पर बचा नहीं। ना भाई ब्रैनम का मिनिस्ट्री, वैस भाई ब्रैनम का जो सेवकाई, वैस क्या है कैद खाना में जो रहने वाला प्राण के लिए नहीं था, क्योंकि वो आधे में छोड़ के गया, छठवां मोहरा खोला वो मत में गया, वो उनका काम हो गया, वो क्या प्रचार करेगा खोया हुआ प्राण के। बहुत लोग बोलता है भाई ब्रैनम का मैसेज खोया हुआ, मैं नहीं बोल, मेरा प्यार बहर बहन, वो बाद में कब आती, वो मैसेज को कौन उठा के, वो मैसेज को कौन उठा के खोया हुआ प्राण को प्रचार करते, वो बहुत बड़ा बात है, वैस वो बहुत बड़ा बात है, भाई ब्रैनम का मिनिस्ट्री में नहीं हुआ, खोया हुआ कैदी खाना में गिरा हुआ प्राण को प्रचार करना सेवकाई भाई ब्रैनम का बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वो मटेरियल भाई ब्रैनम का मिनिस्ट्री में नहीं था। भाई ब्रैनम अच्छा काम किया, सेवकाई अच्छा किया, और उनका मैसेज जबरदस्त है, प्रभु से आया हुआ मैसेज है, और वो मैसेज को सारा डिनोमिनेशन, सारा संस्था, सारा ऑर्गेनाइजेशन, इवन मलकी 4-5 को नाम लेके चलाने वाला चर्च सब उनको सूली पर डाल के खत्म कर दिया। ओ यस, और खत्म करने के बाद मेरा फर्ब बेनो,
तीसरा दिन में प्रभु यीशु मसीह उठा, आठवां दिन है वैस, और उसका पहले वो नरक में जो कैद खाना में जो गिरा हुआ प्राणों को प्रचार कर दिया, पश्चाताप नहीं पश्चाताप, क्योंकि वो सब क्रूसिफिक्शन होने के बाद। इसलिए मैंने कहना चाहता हूं भाई ब्रानम का मोरा खुलासा के बाद जो मैसेज दो वर्ड आ गया उनका, उनको वो लोग सूर्य पर वापस डाल दिया। उसका बाद में जो मिनिस्ट्री जो है आखिरी का मिनिस्ट्री, क्योंकि थर्ड पुल आखिरी में है, तीन परफेक्शन है, पहला दूसरा वैसे भाई ब्रानम का पक्का है, पहला खिंचाव दूसरा खिंचाव वो भाई ब्रानम का है, तीसरा खिंचाव जो है ब्राइड का है, दुल्हन का के सील है वो, दुल्हन का खिंचाव है, कैन यू से मैन ब्राइड का खिंचाव है वो, और टोकन के द्वारा आता है, कैन यू से मैन माई गॉड। हाँ, बहुत कुछ बात में आज पढ़ना चाहते हैं वैसे, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दें। वैस देखो इधर भाई ब्रानम, भाई लैम्बर्ट क्या बोलते हैं, देन द लास्ट मूव टू द जेंटाइल, आखिरी का जो मुंह है, मुंह बोलेगा तो अभियान चाल जो है जेंटाइल, ब्रदर ब्रानम ने बोला ये बातों को, ब्रदर ब्रानम ने बोला ये बातों को, आखिरी का जो अन्य जात का जो मुंह है, देर इज वन मोर राइड ऑफ द व्हाइट ईगल, और एक बार का सफेद उकाब का चाल होने वाला है, व्हाइट हॉर्स राइडर सफेद घोड़ सवारी, एंड इट इज द थर्ड फुल, वो जो है तीसरा खिंचाव, तीसरा खिंचाव भाई ब्रानम का नहीं है, एंड इट इज द सोर्ड ऑफ द किंग, वो राजा का तलवार है, वो राजा का तलवार है, और यीशु ने बोला मैंने ये तलवार को लेकर आता हूं, क्योंकि वो जो है दूसरा आगमन के बारे में बोला, वो तलवार को भाई ब्रानम ने देखा सबियों के ज्ञान में, सभियों के ज्ञान में भाई ब्रानम ये तलवार को देखा, ये तलवार को हाथ में ले लिया, हाँ, मगर संभाला नहीं, क्योंकि प्रभु ने उनको दिखाया, जैसा मूसा को दिखाया वैसा भाई ब्रानम को भी सब कुछ दिखाया परमेश्वर ने, एंड दैट सेड लॉर्ड सेड दैट इज रिवील्ड वर्ड, वो प्रकटित हुआ वचन है, ही विल किल हिज एनिमीज, उनका दुश्मन को मार डालेगा। हाँ, कितना लोग आमेन बोलते हो, बाइबल प्रोफेसी 73 वैस थर्ड फुल है वैस, उनका दुश्मन को मारने के लिए वैस, क्योंकि तलवार है उसका हाथ में। ऑलराइट, माय गॉड क्या पावरफुल है। ऑलराइट, अभी मेरा प्यार बैर भी लेनो, इधर देखेंगे हम लोग, ये बहुत जबरदस्त है, आप लोगों को मालूम पड़ा ये टर्निंग पॉइंट कब है, वो लोग भाई ब्रानम का मैसेज को दोबारा वो लोग सूली पर चढ़ा दिया, वो सूली पर चढ़ा दिया मेरा प्यार बैर भी, और ख़त्म कर दिया, यीशु मसीह भी खत्म होने के बाद ही वैसे प्राणों के पास गए, ये काम होना चाहिए वैसे, ये काम पहला होना चाहिए, पहला विलियम ब्रानम का मैसेज को ये लोग मारना चाहिए, वो काम हो रहा है अभी भी और हो गया अभी, उनका मैसेज को मार दिया दोबारा, मसीह को मार दिया दोबारा, ब्रानम को मार दिया, ब्रानम को क्रूसिफाइड कर दिया। अगर बोलेगा तो ब्रानम को कैसा वो एक्सटेंड में मरना, वो बात अलग है, संदेश देने वाला भी संदेश भी एक ही है, उनका संदेश को सूली पर चढ़ाना, ब्रानम को सूली पर चढ़ाना, एक ही हिसाब है, मालूम है आप लोग को, एक ही हिसाब है, कैन यू से मैन, ओ यस प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। ये जबरदस्त है, आइटम से में आता है। ऑल राइट, हाँ इधर देखिए सातवां मोहरा, इसका मतलब विलियम ब्रानम ये मैसेज में द सोल्स आर इन द प्रिजन, जो प्राण अभी कैद खाना में है वो मैसेज में सीधा बोलता है ये सातवां मोहरा परमेश्वर ने हमको मालूम होने के लिए छोड़ा नहीं, वैसे हमको मालूम नहीं है उसके बारे में। ऑल राइट, हाँ अभी इधर देखो वही सात, अभी रिमेंबर इन दैट सिक्स सील्स छठवा मोहरा में सात तुरी है वो ऑलराइट, वो सब छठवा मोहरा में हो गया, सात तुरी भी छठवा मोहरा में हो गया, सातवा मोहरा में नहीं है वो, छठवा मोहरा में सात तुरी भी हो गया। ऑलराइट, सात में अभी इधर देखो वो सब कुछ खत्म है, सात बोलेगा तो खत्म फिनिश हो गया, यीशु मसीह का आखिरी का जो सेवक है, बराबर सुनो, यीशु मसीह का जो आखिरी का जो सेवक है, लास्ट मिनिस्ट्री जो है खोया हुआ प्राणों को जाके प्रचार करना, वो फाइनल मिनिस्ट्री है उसका, वो यस फाइनल मिनिस्ट्री, वो यस फाइनल है वो,
दो खिंचाव सब हो गया उनका। यीशु मसीह भी दो खिंचाव किया, मगर यीशु मसीह खड़ा हुआ तीसरा खिंचाव का साथ। वैसे अभी दूसरा आगमन भी वैसे खाली भाई ब्रैनम को लिया, खाली भाई ब्रैनम लिया। दो नबी लोग इधर देख सकते हैं हम लोग वयस वाह। मगर इधर जॉन भाई ब्रैनम जॉन द बैप्टिस्ट का भी टाइप है, नमूना है, और एलाइजा और मूसा सब कुछ है वो, मगर यीशु मसीह का भी सेवकाई उनके अंदर था, मसीह का सेवकाई भी था, क्राइस्ट मिनिस्ट्री भी था, वयस मनुष्य पुत्र का सेवकाई भी था। कैन यू से मैन, ये मजबूत है हमारे लिए, आमेन, हालेलुया। क्यों क्राइस्ट मिनिस्ट्री? क्योंकि वहां से उनका आवाज आना चाहिए। क्या आवाज? आई विल राइट दिस ट्रेल वन मोर टाइम। जो अभियान मैंने शुरू किया शाउट में, जो अभियान मैंने ललकार में शुरू किया, वो अभी अभी वो अभियान अभी कंटिन्यू होने वाला है। हाँ, कंटिन्यू होने वाला। हाँ, गधे का समान रहने वाला, ये मलाकी 4:5 का मैसेज को हम विश्वास करते हैं। बोलता है गधे का लोग है, वो लोग गधा है। उसका आवाज में वो बोला, आई विल राइट दिस ट्रायल वन मोर टाइम, मैंने इस अभियान को और एक बार चलाऊंगा बोला। फिर किधर ये लोग देख रहे हैं, किधर देख रहे हैं, किसको मिला वो, किसका आंखों को दिखने को मिला? हम धन्यवाद बोलो। हाँ, जो आंख परमेश्वर का आगमन को देखता है वो आंख आशीष पाए, वो आंख है। Can you say amen? My God. Oh yes, इसलिए मेरा प्यार, हमको गधे का बिजनेस नहीं चाहिए। हम गधे लोगों के साथ हम नहीं, हम गधे के जैसे नहीं होना चाहिए, हम तेजी से होना चाहिए। Can you say amen? All right. साथ अभी coming of the Lord, 7 बोलेगा तो coming of the Lord, पर प्रभु का आगमन। हाँ, स्वर्ग सब शांत हो गया। हाँ, कोई भी हिला नहीं, वैसे एक दूत भी हिला नहीं वयस, क्योंकि उन्होंने बोला मैंने वापस आने वाला है वयस, और क्योंकि सिर्फ परमेश्वर को मालूम था वयस, सिर्फ परमेश्वर को मालूम था। बराबर सुनो, अंडर द सिक्स सील, ऑल राइट। हाँ, प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड, ऑल राइट। को सिर्फ परमेश्वर को मालूम था प्रभु का आगमन। ओके, अभी भाई ब्रैनम क्या बोलते हैं इधर, बराबर सुनो। देयर विल बी ए मिनिस्ट्री, भाई ब्रैनम बोला, भाई ब्रैनम वो नहीं बोला मैं जाने के बाद मिनिस्ट्री नहीं है, मेरा ही मिनिस्ट्री करके बोला नहीं, वो बोलता है देयर विल बी ए मिनिस्ट्री, वहां पर एक सेवकाई होएगा। उनको मालूम था, भाई ब्रैनम को पक्का मालूम था, एक आखिरी का जो मिनिस्ट्री होना चाहिए वो थर्ड फुल का मिनिस्ट्री। और भाई ब्रैनम अपना एक संदेश में न्यू मिनिस्टर विलियम ब्रैनम ने क्या बोला, वयस नया विलियम ब्रैनम का मिनिस्ट्री मैसेज में क्या बोला वयस, उन्होंने बोला ये जो चीज मेरा सेवकाई में तात्कालिक हो गया, टेम्पररीली हो गया, मगर दुल्हन में फुलनेस में हो जाएगा, पूरा तरीका में हो जाएगा। ऑल राइट, देयर विल बी ए मिनिस्ट्री विल शो ग्रेट वंडर्स, एक सेवकाई होएगा। बराबर सुनो, भाई ब्रैनम वही मैसेज में बोला द सोल्स आर इन द प्रिजन नाउ, ये प्राण सब कैदी खाना में है, वो मैसेज में क्या बोल, देयर विल बी ए मिनिस्ट्री, वो सेवकाई है। आमेन, आप और मेरे को खुशी होना चाहिए अभी। हाँ, वो साइंस जोएल, वो बोलते हैं जोएल सेड सो, जोएल ने बताया बट देयर विल बी नो टाइम फॉर रिडेम्पशन वयस, मगर वहां पर छुटकारे के लिए समय नहीं है, इट्स ऑल ओवर, सब कुछ हो जाएगा। द लैम मेमना अपना किताब से वो छुटकारा का कामों को बंद करेगा, क्योंकि यीशु ने पहला प्रचार किया, जो खोया हुआ इनकार किया हुआ प्राणों को और उनके पास जाके हाउंटेड, उनको जाके बताया, उनको प्रचार किया, वो लोग कैद खाने में था, वो लोग कभी भी पश्चाताप करने वाला नहीं था। नो टाइम फॉर सेल्वेशन, वो लोग को रक्षण के लिए समय नहीं अभी, अनकोट। इसका मतलब ये लोग इधर भी है, पृथ्वी में भी है, ये लोग पृथ्वी में भी है, खाली नरक में नहीं, क्योंकि मैंने जैसा पहले का मैसेज में बोला वो प्राण वो नहीं पश्चाताप करने वाला, क्योंकि सेल्वेशन सब खत्म होने के बाद वयस फाइनल आखिरी में एक जोएल कार्मी आ जाएगा, जोएल कार्मी वो तभी आएगा, खतरनाक मिनिस्ट्री वयस, खतरनाक मिनिस्ट्री, वो लोगों का प्रचार नहीं पश्चाताप किया हुआ प्राणों के लिए, क्योंकि वो लोग बिल्कुल पश्चाताप नहीं करेगा। ऑलराइट,
हाँ वही मिनिस्ट्री वापस आएगा बोलता है इधर भाई ब्रैनम, द सेम मिनिस्ट्री विल रिपीट अगेन, वही सेवकाई वापस रिपीट हो गया, वापस आ जाएगा। हाँ क्या है वो तीसरा खिंचावे टू द इटर्नल लॉस्ट। हाँ इटर्नल बोलेगा तो हमेशा के लिए खोया हुआ लोगों के लिए, इटर्नल लॉस्ट ए मैन, ये फाइनल मिनिस्ट्री है। जो लोग मेरा प्यारा भाई बहन, ये बहुत भयंकर है, ये लोग मेरा प्यारा भाई बहन हो, ये अभी शुरुआत है, लोग अभी सेवकाई को छोड़ के जाता है, थूकता है, सब कुछ करता है, रिपेंटेंस नहीं है, पश्चाताप नहीं है, वो ऐसे कैसे भी है, कैसे भी बात करेगा, कुछ भी चीज़ देखेगा जजमेंट के लिए तैयार हो जाएगा, न्याय करेगा, वो सेवक ऐसा है, मेरा प्यार ये सब शुरुआत का समय है, क्योंकि ये लोग ऐसे बोल के ये मिनिस्ट्री ये सेवकाई ये 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 सेवकाई को ये मैसेज को ये लोग टुकराएगा, रिजेक्ट करेगा ये लोग। ये लोगों का आखिरी का जो फल है रिजेक्ट करने वाला है, ये लोग अनरिपेंटेड सोल है, वो ये नहीं पश्चाताप करने वाला प्राण है। ऑलराइट भाई ब्रैनम क्या बोलता है, वो ये टू इटर्नल लॉस्ट। इसलिए मैंने बोला ये लोग फिर क्या भाई ब्रैनम का मैसेज होएगा तो क्या भाई लैम्बर्ट का मैसेज होएगा तो क्या वो लोग रक्षण पाए सोचते हो आप लोग? ये आप लोग तो गलत है, आपको रेवलेशन नहीं मिला। हाँ आप लोग ऐसी लोगों का बात सुनते हो, वो लोग बोलता है हमारे पास लैम्बर्ट का मैसेज है। मैं अरे ब्रदर मैं एक बात बोलते हैं, उनको नहीं अकल, हमको अकल नहीं है ऐसा बोलने में, हम उनको सीधा बोलने का। अगर आपके पास भाई लैम्बर्ट का मैसेज है, आप कैसा भाई ब्रैनम का मैसेज में रहते हो? अब कैसे रहते हो भाई ब्रैनम के मैसेज में, भाई लैम्बर्ट का मैसेज में, बिना सेवकाई से, बिना सेवक से कैसे रहते हो? क्या बाप परमेश्वर इसको गधे को दे के गया, ये मैसेज को गधे का पास में दे दिया, परमेश्वर अपना सेवक लोगों के हाथ में दे दिया, परमेश्वर अपना सेवक लोगों को उसका जिम्मेदारी दे दिया, परमेश्वर अपना सेवक लोगों को रखा है, कंप्यूटर को नहीं ना कौन सा भी MP3 को नहीं रखा, सेवक लोगों को रखा। कंप्यूटर MP3 अलग बात है, वो आपको पर्सनली व्यक्तिगत रूप से सुनने के लिए रखा वो चीज़ है, मगर सही जो चीज़ है सेवकाई को रखा है, जिंदा सेवकाई। अगर जिंदा सेवकाई नहीं है आप ऐसी मैसेज को कैसा सुनेगा मेरे को बताओ? माय गॉड हम इतना पावरफुल होना चाहिए, क्यों मेरे पास कोई भी नहीं आता है? क्यों मेरे पास, मैं कल एक ग्रुप में ज्वाइन हो गया, लास्ट लोग सब छोड़ के गए, क्योंकि मालूम हो गया ये आदमी खतरनाक है, इनका ग्रुप में नहीं रहने करके। मेरे को कोई पंजाब में मेरे को अपना विलियम ब्रैनम के ग्रुप में डाल दिया, मेरा पहचान वाला, और मेरे से थोड़ा बात कर, एक से लेकर एक छोड़ के भागा एक से लेकर एक, हाँ थोड़ा मैं बात करने को शुरू किया। वह उसका नाम है एक्सपोज ईवोडिच करके, वो लोग का ग्रुप का नाम है एक्सपोज ईवोडिच, बहुत सारा लोग था। मैं जाने के बाद 10 तक लोग निकाल के लेफ्ट 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 करके आने को शुरू हो गया। देखिए क्यों वो लोग लेफ्ट कर, हमसे वो लोग बात नहीं कर सकता है, क्योंकि हम ऐसा है, सब लोग ऐसा होने का है। हाँ ये रेवलेशन मिलने के बाद हमारा अंदर हिम्मत नहीं है, हड्डी नहीं है पीछे, फिर क्या फायदा है? क्यों मैसेज सुनते हो? मत सुनो ऐसा मैसेज को, ये जबरदस्त मैसेज है। ऑलराइट आगे जाएंगे हम लोग। हाँ ऑलराइट जैसा भाई ब्रैनम इधर बोलता है प्राणों के बारे में। ऑलराइट हाँ अभी यीशु मसीह भी जो नहीं पश्चाताप किए वो प्राणों को जाके प्रचार किया नरक में जाके, आखिरी का उसका सेवक आए, वही रिपीट हो जाएगा बोलता है। मैं जैसा अभी थोड़ा देर के पहले बोला वही सेवक आए वापस रिपीट हो जाएगा, वयस देखो। ऑलराइट हाँ हाँ लैम मेमना ने किताब को ले लिया, सेवंथ सील वयस उनको खुलासा, ये छठवा रेडी फॉर इट टू बी ओपन, द सिक्स सील छठवा मोहर को खुलास किया, ही हिट द सेवंथ सील सातवा मोहर को छुपाया वो। देखो भाई ब्रैनम वापस इधर बोलता है वो खोला नहीं। तभी दूत ने रात और दिन उधर खड़ा हो गया मगर उन्होंने खोला नहीं क्योंकि स्वर्ग में पूरा साइलेंस था। हाँ वयस ऑलराइट द फर्स्ट थ्री इज परफेक्शन, तीन जो है सिद्धता है। When the ministry went forth, वो ministry आगे गया
द सेकेंड पुल वॉज द डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट। सेकेंड दूसरा खिंचाव है वो भविष्यवाणी बोलने वाला, जो पहला जो खिंचाव है रोगी को छंगे करने वाला, ये दोनों भी है। वेंट फोर्थ द सीक्रेट ऑफ द थॉट व्हेन द वर्ल्ड इटसेल्फ वाज मेड मैनिफेस्ट, तभी वचन अपना आप प्रकटित होने को शुरू हो गया, तभी कृपा आ गया, बराबर। बट रिमेंबर द सेवंथ सील इज द फिनिश, सातवां मोहर जो है फिनिश, खत्म है वो। कैन यू से मैन अनकोट, इसका मतलब कभी सातवां मोहर खुलासा हो गया, वो फिनिश है, वो थर्ड फुल है, तीसरा खिंचाव है, फिनिश है। यस, और भाई वो फिर बार बेनो दो सातवां मोहर जो है वो फिनिश है, अनकोट। क्यों भाई ब्रैनम बोला? हाँ भाई ब्रैनम क्यों इन बातों को बोला? ये मैसेज को अलग अलग तरीके से प्रचार किया ये लोग, मगर भाई ब्रैनम का मतलब जो है सातवां मोहर के बाद, सातवां मोहर खुलासा होने के बाद थर्ड फुल तीसरा खिंचाव। इधर देखो, इधर देखो क्या बोलता है, फिनिश है, फिनिश द फुल बोलता है। फिनिश द फुल बोलेगा तो वो खिंचाव का खत्म होता है, इट इज ऑल ओवर, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऑल राइट, थिंक वेर यू एट, किधर है आप? सेवन इज ऑलवेज फिनिश, थ्री फुल्स, सातवां मोहर में तीसरा खिंचाव भी फिनिश हो गया। कैन यू से मैन? अभी पहले से लेके छठवां मोहर तक दो खिंचाव का नीचे वो हो गया, मगर सातवां मोहर जो है तीसरा खिंचाव है, थर्ड फुल है। वयस वही जो आखिरी का जो मिनिस्ट्री नहीं पश्चाताप किया हुआ लोगों को प्रचार कर, लास्ट फाइनल मिनिस्ट्री, सोर्ड द किंग्स सोर्ड, राजा का तलवार। माय गॉड, वयस परमेश्वर के नाम को धन्यवाद। आहा मेरा प्यार बहन बेनो, कितना महान चीजें। ऑल राइट, ब्लेस्ड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। हाँ भाई ब्रैनम क्या बोलते हैं, यू कांट किल द मिनिस्ट्री, सेवकाई को मार नहीं सकता है, वो जिंदा रहता है, बिल्कुल सेवकाई मरेगा नहीं। अभी दो खिंचाव खत्म हो गए तो क्या सेवकाई मर गया? कंटिन्यू हो गया अभी सेवकाई, विलियम ब्रैनम मरने के बाद भी सेवकाई कंटिन्यू होता है, आगे जाता है, क्योंकि तीसरा खिंचाव के लिए तैयार होता है वो। यस यस, क्या संदेश देने वाला दूत सोएगा? सोया हो, संदेश देने वाला दूत सोया, वयस, मगर आप मैसेज को मैसेज को उनके साथ डाल नहीं सकते, मैसेज नहीं सोएगा। वयस मैसेज जिंदा रहेगा, संदेश जिंदा रहेगा। वयस तभी तीसरा खिंचाव है उनका मिनिस्ट्री में, इस मिनिस्ट्री दफा है, पहला जो है रोगी को छंगे करना, दूसरा जो है ऑर्गेनाइजेशन और सबको रिव्यू करना और भविष्यवाणी बोलना। ऑल राइट, और एंड व्हाट विल कम, हाँ, और आखिरी में बट द थर्ड फुल, तीसरा जो खिंचाव है वो खोया हुआ प्राणों को, कभी भी वो लोग रक्षण को नहीं पाया हुआ, अनकोट, इसका मतलब वो लोग के लिए रक्षण बंद हो गया, बराबर सुनो, वो लोग के लिए रक्षण बंद हो, क्योंकि तभी रक्षण का मैसेज था, रक्षण का सेवकाई था, वो लोग सुना नहीं, वो मिनिस्ट्री को ठुकराया। वयस अभी ब्रैनम नहीं है, लैम्बर्ट नहीं है, मगर वो लोग सेवक लोगों का बातों को नहीं सुनेगा, सेवक लोगों को टुकड़ा इंसल्ट करेगा, सेवक लोगों को इंसल्ट, सेवक लोगों को अपने मन के अनुसार रखेगा। मेरा प्यार बहन बहुत भयंकर चीज है, वयस बहुत भयंकर चीज है, वैसी लोगों को दोबारा रक्षण नहीं मिल सकता है, रक्षण ही नहीं है वो लोग। ये आखिरी का मिनिस्ट्री है यीशु मसीह, ये पृथ्वी छोड़ने का पहले, बराबर सुनो, यीशु मसीह रैप्चर में जाने का पहले, यीशु मसीह रैप्चर में जाने का पहले खोया हुआ प्राणों को प्रचार कर दिया, जो प्राण रक्षण कभी भी नहीं पा सकता, क्योंकि कृपा बंद हो गया, कृपा बंद हो गया। जैसा नूह का उदाहरण देता है, नूह दरवाजा बंद करना भी यहाँ पर कृपा भी बंद होना एक ही हिसाब है, नूहा अपना जाज का दरवाजा को बंद किया, कृपा खत्म हो गया, बाद में सात दिन वेट किया, सात दिन वयस, और वो लोग बाहर रह गया, बाहर से वो लोग अविश्वास के जैसा, मगर बारिश आने पर, जजमेंट उतरने पर वो लोग चिल्लाया, नूहा के दरवाजे के पास जाके चिल्लाया, मगर दरवाजा खुला नहीं वयस, क्योंकि एक बार दरवाजा बंद होने के बाद वापस खुलेगा नहीं, अभी समय है, अभी आपको और मेरे को समय मिला,
वैस रक्षण के लिए, तभी रक्षण नहीं है वो, दे कैन नॉट बी सेव्ड, वो लोग कभी भी रक्षण नहीं पाएगा। हाँ, वो लोग वहां पर जैसा इधर देखो, दे वेर डाउन देयर वेर देम पेंट बिग पेंटेड आइस वॉस, ये बड़ा बड़ा आंख को देखा हुआ भाई ब्रैनम देखा नरक में वैस, और वो नरक है उधर जाके प्रचार किया, वो कभी भी दया को स्वीकार नहीं करेगा। वो लोग हमेशा के लिए प्रभु का उपस्थिति से निकल गए लोग। हाँ हाँ, और भी वो लोग उनको पहचान लिया, बराबर सुनो, और भी वो लोग उनको पहचान लिया। हाँ, क्योंकि प्रभु ने इसी बना दिया। हाँ, आई वंडर इफ हिज मिनिस्ट्री क्लाइम्स आउट द सेम वे इन द लास्ट डेज, वही मिनिस्ट्री, वैस वो क्या बोलता है, वही मिनिस्ट्री इस अंतिम दिन में हो जाएगा, आमीन, वही मिनिस्ट्री इस आखिरी के दिन में भी हो जाएगा। हाँ, इसलिए बोला एज इट वॉज इन द डेज ऑफ नोआ, जैसा नोआ का समय है, जैसा सोदम गोमरा का समय है, वैसे ही ये भी हो जाएगा। वैस रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड, ऑल राइट, प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। मेरे प्यारा भाई बहनों, ये सब इधर हम देख सकते हैं, ऑल राइट, वॉयस, ये बहुत बहुत जबरदस्ती से, क्योंकि मैं आइटम करके आया, ऑल राइट, इधर देखो भाई प्रणाम क्या बोलते हैं, ऑल दोस रिजेक्टेड द मैसेज ऑफ द आवर बिफोर डूम, जितना लोग है इस घड़ी का संदेश को, इस घड़ी का बोलेगा तो खाली भाई ब्रैनम की नहीं, ये भी भाई लैम्बर्ट का भी मैसेज, वैसे मेरे प्यारे भाई, क्या प्रभु डाल्टन ब्रूस को छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा, उनका भी समय आ गया, क्योंकि वो ये मैसेज को छुपा के रखा और झूठ बोला और दुनिया को फंसाया। ये मैसेज हमको रक्षण देने वाला मैसेज है, ये मैसेज मेरे को और आपको तीसरा खिंचाव का मैसेज है, ये मैसेज थर्ड फुल है। वैसे कोई भी छिन्न चमत्कार भाई लामन का सेवकाय में नहीं हुआ, क्योंकि ये थर्ड फुल का सेवकाय, समत्वशील खुल गया, और परमेश्वर ने एक नम्रता का एक भाई, एक पाप से छुटकारा होते हुए उनको उन्होंने उपयोग किया, और उस पात्र के अंदर से अपना प्रकटित हो गया उसका मैसेज। अगर वो कुछ भी बोले, वो बोले उस समय में मेरा टेप को किसको भी मत देना, वो उस समय के लिए वो उन्होंने बोला है, मगर ये लोग के कुपंत लोग, ये विधर्मी लोग ये मैसेज को बंद करके रखा और किसको भी नहीं दिया, स्वार्थ दिखाया, मगर परमेश्वर उनको सहना नहीं। परमेश्वर इस मैसेज को अभी हिंदुस्तान तक लेकर आया, और हिंदुस्तान से भी अफ्रीका गाना वैस गयाना अलग अलग जगह पर अभी हिंदुस्तान से जा रहे हैं। कौन बनाया? परमेश्वर ने बना दिया, क्योंकि डाल्टन ब्रूस और उनका छेला लोग का ये भयंकर भयंकर काम है, प्रभु ऐसे लोगों को छोड़ेंगे नहीं। इसलिए वो लोग को वेबसाइट सब बंद हो गया, वो लोग आवाज बंद हो गया, वो लोग कुछ भी बोल नहीं सकता है, और कुछ भी चीज अगर होएगा वो लोग को पूरा खत्म कर दिया। मेरा प्यारा भाई बहन, प्रभु के नाम को धन्यवाद है, ऑल राइट। हाँ, इधर देखो, वैस द गॉस्पेल वॉज प्रीच्ड टू द डूम्ड फर्स्ट, वैस गॉस्पेल ये सुसमाचार फैला, जो डूम बोलेगा तो, वैस डूम बोलेगा तो पूरा खत्म हुआ लोगों के लिए, ऑल राइट, बिफोर द इवेंट विदाउट मर्सी। वैस परमेश्वर आफ्टर हिज थर्ड पुल, परमेश्वर ने दरवाजे को बंद किया, उनका तीसरा खिंचाव आफ्टर थर्ड पुल एट सोदम, तीसरा खिंचाव के बाद डोर बंद हो गया, आमीन, थर्ड पुल के बाद अभी भी ऐसे है, तीसरा खिंचाव आखिरी खिंचाव है, आखिरी का जो खिंचाव है वो लास्ट खिंचाव, शुरुआत में पहला दूसरा, उसमें बहुत लोग इकट्ठा होते हैं, मगर ये जो है तीसरा जो है आखिरी का जो खिंचाव है वो है सर, किसके लिए? खोया हुआ प्राणों के लिए, खोया कभी भी रक्षण को पा नहीं सकते वो लोग, ऑल राइट, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद, ऑल राइट। अभी भाई ब्रैनम बोलता है, इट इज गॉड, ये प्रभु है, एंड वी नो कम टू द स्पॉट, परमेश्वर ने एक जगह पर आया, दैट द थर्ड फुल वैस तीसरा खिंचाव वुड रिटर्न अगेन टू द लॉस्ट इटर्नली, तीसरा खिंचाव वापस आ जाएगा वैस हमेशा के लिए खोया हुआ प्राणों के लिए, आमीन, हमेशा के लिए।
जिन लोगों को आप लोगों ने देखा, जिन लोगों को आप लोगों ने महसूस किया, जिन लोगों ने ये सेवकाई को बहुत अपना मुंह से तारीफ किया और बाद में इसको टुकराया, बाद में इसका विरोध आया, बाद में इसको खत्म करने के लिए देखा, बाद में इन सेवकाई को नाश करने के लिए देखा, मेरा प्यारा भाई बहनों, ये आखिरी का जो सेवकाई, ये थर्ड फुल है, वैस जो भाई ब्रैनम ने बराबर सुनो, मैं फिनिश करने वाला है, ऑल राइट, वैस प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड, ऑल राइट, वैस परमेश्वर का नाम को धन्यवाद है। ये बातों को आप लोग देखो, वैस प्रेज बी द नेम ऑफ द, बहुत सावधान से सुनिए मेरा प्यारा भाई बहनों, इधर देखो, गॉड परमेश्वर इसी स्पॉट में आ गए, अभी वो स्पॉट है थर्ड फुल, वो रिटर्न अगेन टू द लॉस्ट इटर्नली, वो वापस आ जाएगा, वही मिनिस्ट्री जो मैंने अभी बताया, जो थोड़ा देर का पहले जो यीशु मसीह का आखिरी का जो क्योंकि मेरा प्यारा भाई बहनों, उन्होंने बोला मेरा मांस को खाओ और खून को पियो, चले लोग किधर भी भागे नहीं, उनको स्वीकार कर दिया और वो लोग पेंटेकोस्ट में जाके टोकन को ले लिया, पवित्रात्मा का बपतिस्मा ले लिया, मगर बाकी लोग वैस बाकी लोग सदुकी फारसी और बाकी सब और नरक में भी नुआ के समय से जो पश्चाताप नहीं किया, वो लोग का हाल क्या है, वो लोग का स्थिति क्या है, वहाँ पर प्रभु ने भेजा उसका स्पिरिट को वहाँ पर भेजा और वहाँ पर भी वो प्रचार किया, वैस अभी अभी वो रिपीट अभी हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, कभी कैसा रिपीट होएगा, अभी भाई ब्रैनम का जो मैसेज को वो लोग सूली पर डाल दिया, क्रूसिफिक्शन किया, हो गया वो क्रूसिफिक्शन, हो गया सेवंथ डे खत्म हो गया, वैस क्रूसिफिक्शन सेवंथ टू एट, अभी एट डे है, वैस आठवां दिन है, इधर तीन दिन है, थर्ड डे वो रिजरेक्टेड, वैस कभी वो पुनर्थान पाया, कभी पुनर्थान पाया, ये खोया हुआ प्राणों को प्रचार करने के बाद, बराबर सुनो, खोया हुआ नरक में खोया हुआ प्राणों को प्रचार करने के बाद, अभी इधर क्या है, अभी रिजरेक्शन एक बाकी है, वैसे रिजरेक्शन जो खबर में सोया हुआ प्राण अभी आने के वो बाकी है, उसका पहले बराबर सुनो, उसका पहले, मेरा दोस्त लोग इसको कोने को देखो मत, उसका पहले तीसरा खिंचाओ, थर्ड फुल, खोया हुआ प्राणों को वो लोग जाके प्रचार करेगा, ओह ग्लोरी टू द नेम ऑफ द लॉर्ड, वुड यू प्लीज गिव द प्रेज ऑफरिंग ब्रदर मिनिन, वुड यू प्लीज गिव योर प्रेज ऑफरिंग, वैस लास्ट मूव आखिरी का जो अभियान, आखिरी का जो अभियान, खोया हुआ प्राण कभी भी रक्षण को पा नहीं सकता है, कभी भी रक्षण नहीं मिलेगा, कभी भी रक्षण वो लोग को नहीं मिलेगा, बंद हो गया, बंद होने वाला है, सॉरी अभी नहीं हो गया, बंद होने वाला है, अभी समय है, परमेश्वर टोकन के द्वारा नहीं आया, टोकन के द्वारा आना चाहिए, कैपस्टोन, वैस कैपस्टोन में आने के बाद खोया प्राणों के लिए प्रचार, क्योंकि रिजरेक्शन होने के पहले यीशु मसीह उधर नरक में जाके खोया हुआ प्राणों को और उसका पहले सदुकी और फारसी ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने प्रचार किया, सब खोया हुआ प्राण है, अभी पृथ्वी के ऊपर भी, पृथ्वी के नीचे नरक में भी, एक ही हिसाब है, repent or perish, praise be the name of the Lord, banker message ye, yes God, and we have come to the spot, the third pull would return again to the lost eternally, wapas aa jayega, bolega wo log idhar hi kaidi khana mein hai, yes Praise be the name of the Lord. ये लोग सब मिनिस्ट्री को टुकराया, सब कुछ किया और पश्चाताप नहीं किया, पश्चाताप ब्रदर वाटसन, पश्चाताप क्या है, अभी तक पश्चाताप नहीं आया, फ्रेंड वो समय नहीं मिलेगा आपको पश्चाताप के लिए, ऑल राइट, इधर देखो, वैस मिनिस्ट्री कम टू द परफेक्शन व्हेन इट रिप्रोड्यूस्ड क्राइस्ट अगेन, कभी मसीह को वापस लेकर आएगा, हाँ मनुष्य के अंदर से, as it was in the days of Lot ka samay, all right, thinking ye sab ho jayega, we have come to the, barabar suno, ye aisi gadi mein hum log aaya, doors closed gone, darwaja pura band ho jayega, khatam ho gaya, all right, praise be the name of the Lord, doors closed,
मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बहुत भयंकर चीज है। परमेश्वर को धन्यवाद है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी आप लोगों को मालूम पड़ गया सेवंथ सील थर्ड पुल का, थर्ड पुल एक ही है, सातवां मोहरा सेवंथ सील का नीचे है, वो ये सेवंथ सील में है, वो ये थर्ड पुल, वो ये भाई ब्रैनम का समय में नहीं था, ये अभी है। ये लॉस्ट सोल भाई ब्रैनम का मिनिस्ट्री नहीं है, खोया हुआ प्राणों को प्रचार करने का, वो ये प्रीच करने का, ब्रैनम का नहीं। जॉन द बैप्टिस्ट हो, कौन किया? यीशु मसीह किया। अभी यीशु मसीह कैसे करता है? दुल्हन के द्वारा करता है, दुल्हन के द्वारा, द ब्राइड, ब्राइड को लेके यीशु मसीह करेगा। माय गॉड, हालेलुया, ग्लोरी टू द नेम ऑफ द लॉर्ड। और दुल्हन के द्वारा ये आखिरी का जो राइड, आखिरी का जो चाल होने वाला है, और ना पश्चाताप करने वाला प्राणों को प्रचार हो जाए। फ्रेंड्स, अभी जो वक्त मिला, अभी जो हमको समय मिला, ये समय को आप लोग देखते हुए अभी हम लोग परमेश्वर से पश्चाताप करना। प्रभु, हमको ये मौका मिला, आपने ये मैसेज हमको आपने दे दिया, ये बाइब्रानम का बाइलामर का, हम कोई किसी का, हम कोई भी कभी भी सेवकाई का विरुद्ध ना आने, ना आए, हम सेवकाई को ना टुकराए। प्रभु, बहुत सारा तूफान को लेकर आएगा, बहुत सारा आंधी तूफान आएगा, मगर परमेश्वर सेवका सेवकाई के साथ खड़ा रहेगा, सेवकाई के साथ। आप बताइए मेरे को, कौन है वो सेवकाई को छोड़े हुए लोगों का स्थिति कैसा हो गया? आप ही लोग बताओ, मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं बोलेगा तो आप लोग बोलेगा, आप समर्थन करता है, आप अपना आप को समर्थन करता है, आपको मालूम है, आप एक सेवक होके अपना आप को समर्थन करता है। मेरा प्यार भर, मेरा मैं अपना आप को समर्थन नहीं करूंगा, अगर मेरा गलत है, मेरा कुछ भी है, मैं अभी भी माफी मांगने के लिए तैयार है, मगर मैंने कुछ भी करे, मेरे को प्रभु दया दिखाया, और मैंने वही मैसेज में अभी तक खड़ा है, वही जगह पर, वही मैसेज में, वही स्थान पर मैं खड़ा है। मेरे को बताओ, मेरे को कौन खींच के इधर से लेके जा सकता है? कौन सा व्यक्ति है ये पृथ्वी में, कौन सा व्यक्ति है ये सारा दुनिया में, मेरे को यहाँ से बलत जबरदस्त करके इधर से निकाल के लेके जाने वाला? कौन सा तंत्र और यूज करके? मैंने बिल्कुल गलत है, क्योंकि परमेश्वर मेरे को यहाँ पर खड़ा किया, क्योंकि मैंने उनके लिए योग्यता का आदमी है, और मेरे को यहाँ पर खड़ा किया। मगर जो मिनिस्ट्री को छोड़ के गया हुआ लोगों का स्थिति को आप लोग बताओ, मैं नहीं बोलूंगा, बताओ कैसा है वो? दे आर वांडरिंग स्टार्स, जैसा तारा है वो घूमते रहेगा, वांडरिंग स्टार्स बोलता है, वो घूमते रहेगा, घूमते रहेगा। शांति नहीं है, मैसेज नहीं है, वयस संदेश नहीं है, रेवलेशन नहीं है। कुछ लोग टेप को टेप के पीछे भागा, कुछ लोग अपना घर में बैठ के सुन रहे, किधर शांति है, किधर शांति है? जो शांति जो जो लोगों का है, वो लोग उपस्थिति में, उपस्थिति के नीचे आके बैठा है, वयस उपस्थिति के नीचे आके बैठा, उपस्थिति में आके ये मैसेज को सुन रहा है, उपस्थिति में आके वो लोग प्रभु को धन्यवाद और स्तुति चढ़ाता है। माय गॉड, ऑनलाइन के द्वारा सुनता है, और यही उपस्थिति ऑनलाइन के जगह पर भी जाके हो गिरेगा वो। वयस वैसी लोगों के लिए परमेश्वर रखा है। वयस मेरे प्यारे भाई बहनों, हाँ, कितना भी टेप सुनो आप अकेला, कितना भी आप टेप सुनो और आप ही सेवक करके आप कितना भी खुद ही मारो, बिल्कुल कुछ भी होने वाला नहीं है। वयस अलग अलग लोगों को देखो आप, और जो छोटे, मैं खाली एक ही बोलता है, क्योंकि मूसा का कैंप से दातान, अबिराम और खोरा निकल गए, क्या हो गया? पृथ्वी ने उन लोगों को खाया। वैसे ही आज भी जो लोगों ने इनको टुकराया, और मैंने और एक चैलेंज करता है, अगर ये मिनिस्ट्री सही नहीं है, ये मिनिस्ट्री गलत है, अरे इससे भी अच्छा मिनिस्ट्री होना चाहिए हिंदुस्तान में, वो मेरे को दिखाओ, इससे भी अच्छा सेवकाई को मेरे को ढूंढ के दिखाना, जिधर कोई भी गलत नहीं होना चाहिए, और प्रचार 100% एक्यूरेट होना चाहिए। मेरे को दिखाओ ब्रदर, और कोई भी बैन ऐसा हो गया तो मेरे को दिखाओ, मैं भी इनको बंद करेगा, मेरा प्रचार और मेरा सब कुछ, और वो मिनिस्ट्री के नीचे मैं भी आ जाऊंगा। वैस प्रभु के नाम को धन्यवाद है। मैं आखिरी में एक बात बोलना चाहता है, मेरा प्यारा भाई बहनों, ये जबरदस्त मिनिस्ट्री, जबरदस्त सेवकाई परमेश्वर ने हमारा पास लेकर आया अलौकिक रूप से, और आप लोग सुना है थर्ड पुल कैसा और कैसा खोया हुआ प्राणों को। मेरे प्यार बहन, आखिरी में मैं वापस रिपीट करूंगा, तब तक विलियम ब्रैनम का मैसेज को वो लोग क्रूसिफिक्शन नहीं किया, क्रूसिफिक्शन एक बार होना चाहिए। वैसे और भाई ब्रैनम उसके लिए साक्षी है, वो बोला दिस जनरेशन, ये पीढ़ी मेरा प्रभु को वापस सूली पर डाल के मारा बोला।
वैस वाह उसको बोलता है क्रूसिफिक्शन का समय है। वह सातवां दिन आखिरी ने क्रूसिफिक्शन आखिरी का चर्च एज में उनको सूली पर डाल दिया चर्च एज में, मगर आठवां दिन में पुनर्थान का दिन है, पुनर्थान के समय में तभी वैस खोया हुआ प्राणों को जो पश्चाताप नहीं करते हुए और नाश हो गया खोया वो प्राणों को प्रचार हो गया वो प्रभु वैसे कर दिया और बाद में उनका पुनर्थान हो गया, पुनर्थान बाद में हो गया। इसलिए हमारा सामने पुनर्थान खड़ा है, उसका पहले ये काम होने का है और मैंने विश्वास करता है। और एक बार टोकन कैपस्टोन आने पर वो कैपस्टोन वयस और ये सोल्ड तभी काम पे आएगा। थर्ड फुल तीसरा की चाव खोया हुआ प्राणों को हम प्रचार करेंगे। आइए आप लोग सब उठिए। परमेश्वर धन्यवाद है ये शानदार मैसेज के लिए, शानदार उपस्थिति के लिए, शानदार प्रभु आपका प्रेजेंस के लिए धन्यवाद है प्रभु। ये मैसेज को प्रचार करने के लिए आपने मेरे को सहायता और मदद किया, धन्यवाद है प्रभु। सब कुछ आपका हाथ में सौंपते हुए उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से सुना और कबूल करना, आमीन। अभी भाई मिनिन गाना गाएगा। Thank you, Lord. Amen. Yendo